नमस्कार, मैं हूं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अपनी अपनी मांगे, अपने अपने मुद्दे हर कोई लोकतंत्र में उठाता है, उठाता आया है और उठाता भी रहेगा। पर एक बार फिर से गांव में जलापूर्ति करने वाले जो कर्मचारी हैं, ऑपरेटर हैं, उन्होंने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। दरअसल पब्लिक हेल्थ के ग्रामीण जल कर्मियों के द्वारा रोष जताया गया, प्रदर्शन किया गया और कुछ मांगे उठाई गई हैं और उन मांगों में वेतन जो है, पगार जो है, वो 15,000 रुपये किए जाने की मांग की गई है। साथ ही ऑपरेटर जो ग्रामीण स्तर पर सेवाएं देते हैं उनके द्वारा भी ये मांग उठाई गई है कि प्लास, पेचकस और दूसरी तमाम इस तरह के उपकरण जो कि जरूरी है वो उनको मुहैया करवाए जाने चाहिए। हालांकि इस मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया गया था, प्रदर्शन किया गया था, भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह के आवास पर जाकर ज्ञापन पत्र भी प्रेषित किया था और प्रखरता से आवाज उठाए जाने की भी मांग की थी। ये भी कहा था कि उनकी मांगे जो है जायज, उनको उठाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ 20 अक्टूबर को एक्स ग्लेशिया को लेकर एक समझौता हुआ था, उसको भी लागू किए जाने की मांग की गई है, बात उठाई गई है। यही नहीं, इन कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन देंगे, अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन देंगे। हालांकि उन्होंने दलील दी है इस मामले को लेकर, एक बात भी कही है कि गांव में जलापूर्ति करने में उनका अहम रोल है, जबकि उनको ना तो स्थायी किया गया ना पक्का किया गया है, बल्कि जिस तरह से उनके वेतन पगार की बात करें तो महंगाई के ज़माने में 15,000 रुपये कम से कम उनकी पगार की जानी चाहिए, दूसरी सुविधाएं भी दी जानी चाहिए और साथ ही साथ जो है फैसिलिटीज़ के साथ साथ उनकी मांगे मानी जानी चाहिए। बहरहाल आज रोष प्रदर्शन किया गया था, अल्टीमेटम दिया गया है, अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से उनकी मांगों को माना जाता है। हालांकि सरकार इस मामले में पहले भी सकारात्मक रुख अपनाए जाने की बात कह चुकी है और सरकारी नुमाइंदों का कहना था, पहले भी जिस तरह की जो मांगे उठाई गई थी, कहना था उनकी जो बातें हैं उनको प्रॉपर चैनल से समुचित जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब किस तरह से उनकी मांगों को माना जाता है। बदरी हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल।